अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा यार, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि एक्सपोर्ट के लिए हम लोग कस्टमर कैसे ढूंढ सकते हैं। ना हर बंदा आप लोगों को बताए कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो ज्यादा होता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सपोर्ट के लिए कस्टमर ढूंढने का तरीका बताऊंगा। बेसिकली इसके तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 3-4 तरीके बताऊंगा। अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे नहीं है या कोई भी जानने वाला उस कंट्री में मौजूद नहीं है जो फिजिकली जाके आपका ऑर्डर किसी भी फैक्ट्री या मतलब दुकान से लेकर आपको दे, तो अगर आपका ऐसा कोई सीन नहीं है तो घर बैठ के ऑनलाइन आपको कस्टमर ढूंढने के तरीके में बताऊंगा आप लोगों को। एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि यार कस्टमर कैसे ढूंढने हैं। अच्छा यार, मैं कोई एमए को फालतू बातें नहीं कर रहा, मैं खुद एक्सपोर्ट करके, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बड़ी को लाखों की एक्सपोर्ट की है, करोड़ों की है, ये नहीं, चंद हज़ार रुपये की ना एक्सपोर्ट करके अभी थोड़े दिन पहले मतलब ऑर्डर डिलीवर हुआ है, तो फिर ही मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। आपको पता है कोई भी मैंने वीडियो बनाई है, आपको अलीबाबा का काम सिखाया है, अली एक्सप्रेस का सिखाया है, तो आपको मैंने हमेशा प्रूफ के साथ बात की है। जैसे आप अलीबाबा एक्सप्रेस की जाके वीडियो देखो, कैसे ऑर्डर को मतलब करना है उधर, और कैसे उसको डिलीवर यहाँ पे आएगा, कस्टम कैसे क्लियर करवाना है, और मतलब घर तक सामान मैं ले गया, अनबॉक्सिंग तक मैंने की है अली एक्सप्रेस की। फिर अलीबाबा की बात थी, तो अलीबाबा के टेम्पलेट तक जो उसके मैसेज कैसे करना है, हर चीज तुम लोगों को मैंने सिखाई थी। तो अब बात हम लोग कर लेते हैं एक्सपोर्ट की। तो एक्सपोर्ट के हवाले से बेसिकली तीन जो तरीके हैं ना वो कस्टमर ढूंढने के। नंबर वन, गूगल के ऊपर सिंपल सा, अभी मैं ना तुम लोगों को स्क्रीन के ऊपर जाकर भी बताऊंगा कि कैसे तुम लोगों ने इनको ढूंढना है, क्या करना है, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं। नंबर वन, सिंपल सर्च करना जी इम्पोर्ट, या फर्क करो टी शर्ट के ऊपर तो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ठीक है, तो या कोई भी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, या पैंट्स के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर, बेल्ट्स के ऊपर, कैप्स के ऊपर, जिसके ऊपर भी तुम लोग काम कर रहे हो, तो सिंपल जहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे जाके सर्च करना है गूगल के ऊपर इंपोर्टर्स ऑफ कैप्स या टी शर्ट्स इन, फर्ज करो फ्रांस में हम लोग कर रहे हैं, तो फ्रांस का पैरिस है, लियोन है, हम लोग लियोन को टारगेट कर लेते हैं, तो लियोन उनका सिटी है, तो वहाँ पे हम लोग जाके उनको टारगेट करते हैं। कैसे करना है, लिखना जी इंपोर्टर्स ऑफ टी शर्ट, या आप कह लो कि इंपोर्टर्स ऑफ कैब्स इन लियोन सिटी फ्रांस, या आप लोग ऐसे सर्च कर सकते हो कि टी-शर्ट्स की जो टी-शर्ट शॉप्स इन लियोन सिटी फ्रांस, टी-शर्ट की जितनी भी शॉप्स होंगी वो आ जाएंगी। अभी मैं स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि इनको मैसेज कैसे करना है, उस मैसेज का टेम्पलेट क्या होना है, और उनका ड्रेस और हर चीज तुम लोगों को क्लियर करता हूँ, लेकिन आपको अभी बता दूं। पहला तरीका क्या था, लिखना जी इंपोर्टर्स ऑफ टी-शर्ट या कैब जिसको भी आप इम्पोर्ट करो इन लियोन फ्रांस। फिर दूसरा कर लेना कि शॉप्स ऑफ टी शर्ट या कैप्स की गूगल के ऊपर सर्च करके वो फ्रांस में किधर है, और दूसरा तीसरा तरीका जो है इंपोर्ट की डायरेक्टरीज होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस या किसी भी कंट्री या पाकिस्तान है या कोई भी कंट्री है उनकी ना डायरेक्टरीज होती हैं इंपोर्टर्स की और एक्सपोर्टर की, वो तुम लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है। जाके सिंपल लिखना है कि टी शर्ट्स की टी शर्ट डायरेक्टरीज इन लियोन सिटी या फ्रांस की जो डायरेक्टरीज हैं, वो भी मैं जाता हूँ स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो नंबर जो 5, 4, 3 हो गए, चौथा ये है कि गूगल के ऊपर सिंपल सर्च करना है कि इंपोर्टर्स ऑफ टी शर्ट्स इन लियोन सिटी फ्रांस, बहुत सारे पीडीएफ की फाइल्स आ जाएंगी, सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा यार, स्क्रीन पे जाने से पहले ना मुझे एक इम्पोर्टेंट ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आई कि हम लोग पाकिस्तानी एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे ना, हमारा मसला क्या है, ठीक है। हम लोग मेरी वीडियोस तुम लोग देखोगे सारा तरीका आप लोगों को पता होगा, लेकिन आप लोगों ने टैक्स नहीं करना, मजा लो तुम लोगों ने उनको ईमेल कर दो या ईमेल की बना के या लिखना ही सीख लो, कुछ नहीं तुम लोगों ने करना, करोगे तो फिर ही होगा। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ ना स्क्रीन के ऊपर जाके, उनके ईमेल एड्रेस होंगे, फोन नंबर होंगे, उनको मैसेज करो यार, टेक्स्ट करो, उनसे बातचीत करो, सारा कुछ तुम लोगों को मैंने बताया हुआ है। ऐसे ही अलीबाबा का था, सारे लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन सारा तरीका भी बता दिया, लेकिन मैसेज मजाल है तुम लोग किसी को करते हो या कुछ कर लो। मैं ये नहीं कहता कि यार मेरा पता नहीं कितने को करोड़ों का काम है जी, लाखों का काम है जी, मैं एक्सपोर्ट का माहिर हूँ, इंपोर्ट का माहिर हूँ, ना ना ना, सिंपल सा स्टूडेंट हूँ, ये बुक्स देख लो पीछे, ठीक है, ये सारी लगी हुई है, इनको मतलब अभी एम फिल है यार, टेस्ट क्लियर करने हैं, बड़े सारे लफड़े होते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, लेकिन करोगे तो होगा। अब पहले मैंने इंपोर्ट का तुम लोगों को बताया था, वो मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि कैसे की है, क्या सीन है, क्या नहीं है, अनबॉक्सिंग तक करके बताई थी। अब एक्सपोर्ट हुई है तो आगे से अगर कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए मतलब कोई ऑर्डर मिलता है ना, तो
उसको लाइव ना तुम लोगों को बताऊंगा कि यार रजिस्ट्रेशन हर चीज आगे आएगी, लेकिन फिलहाल तुम लोग मैसेज करना सीख लो। बहुत सारे लोग हैं उनको यही नहीं होता कि यार कस्टमर कैसे ढूंढेंगे, छोड़ो हम लोग काम ही नहीं करते। ठीक है, अब कस्टमर वाला मसला सॉल्व हो गया, तो चलो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। अच्छा यार, ये ना हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो तरीका बताया था कि आप लोगों ने टी शर्ट से इम्पोर्टर इन लियोन, लियोन क्या है, फ्रांस की एक सिटी है जैसे पेरिस है और दूसरी दूसरे शहर हैं इसके ना, तो ये सर्च कर लिया। तो हमारे पास क्या आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई, ये लेस स्पीड एल्टर, ये कोई फ्रेंच जुबान में इसको खोल लेते हैं। अच्छा ये तुम लोग देख रहे हो ना कि ये उन सारी मतलब ना इम्पोर्टर्स हैं या दुकानें हैं, ठीक है, ये उनका सारा डाटा आ गया। अब फ़र्ज़ कर लो जी हम लोग इस पहले को ही देखते हैं, ये देखो ये आ गया, सही है, ये उसका फ़ोन नंबर आ गया, ये क्या है जी स्टोर शॉप है, और ये जो भी है ना इसका एड्रेस वगैरह भी आ गया और इसका फ़ोन नंबर आ गया, आप इसको कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, शर्ट्स के हवाले से ये है कस्टम टी शर्ट्स, तो ये उसका भी फ़ोन नंबर आ गया और ये सारा ये ओरिजिनल है, जैसे हम लोग यहाँ पे और हम लोगों ने अपनी दुकानों का लोगों ने एड्रेस दिया होता है, साथ फ़ोन नंबर दिया होता है, तो ये वही लोग हैं। आप लोग कोई भी यहाँ से लोकल देख के ना तो उससे रابطہ कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं अभी और भी बताता हूँ आप लोगों को, ये भी देख सकते हो आपको। ठीक है, ये जब सेल नंबर आ गया, ठीक है, तो बंदे का 50% काम वैसे ही हो जाता है ना। ये सारी कपड़ों की दुकानें आप लोग देख रहे हो ना, बिजारे, गैप, अमेरिकन, ये ब्रांड्स भी आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह ये देखो अभी ये बहुत सारे हैं, 7 तक तुम लोगों ने जाना है। ढूंढोगे, सर्च करोगे, कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो, ये तो फिलहाल मैं टी शर्ट्स की बात करूँ, कपड़ों की बात करूँ, आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। तो ऐसा ही एक तो ये तरीका है कि इम्पोर्टर्स को सर्च कर लेना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ना ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी हैं, आप लोग इनको भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी ले सकते हो नंबर। बाकी आप माइल करना उन लोगों को, और ये आपकी प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर है कि आप लोग किस तरह उनसे बात करते हो, किस तरह उनको कन्विंस करते हो कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, उनको प्राइस कैसी देते हो, शिपिंग कैसे देते हो, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं इंशाल्लाह। वो भी मैं जैसे अलीबाबा को आप लोगों को टेम्पलेट दिया था ना मैसेज का, पहले ही बना हुआ था कि बस आप लोगों ने उसमें से अपनी प्रोडक्ट और चीज़ों को ना बस लिखना था और मैसेज पहले के लिखा हुआ था, इंशाल्लाह इसका भी मैं आप लोगों को दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, तो परेशान नहीं होना। उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि कैसे मैसेज लिखने हैं, वो एक लंबा टॉपिक है। अच्छा, अब जहाँ पे फ्रांस में शॉप्स जो हैं वो भी देख लो, यही सीन है, ठीक है, ये कब खुली हैं, कब ओपन है, ये सारा आ जाएगा आपको। ठीक है, ये टी शर्ट्स ओरिजिनल लायोन एब्स्ट्रैक्ट बोतीक, ये फ्रेंच में कुछ लिखा होता है, ठीक है, ये देखो ये 24 घंटे ओपन होती है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके इस नंबर पे ना। अच्छा, ये इनकी वेबसाइट भी आप यहाँ से भी जाके ना इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और वहाँ से भी देख सकते हैं। ये है जी इनकी वेबसाइट, ये फ्रेंच में है, आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो इंग्लिश में अगर हुई तो, नहीं ये फ्रेंच में ही है। तो इस तरह बंदे को पता चल जाता है कि ये जो बायर्स हैं या जिनकी ये शॉप्स हैं ये ओरिजिनल बंदे हैं, ठीक है। आप गूगल ट्रांसलेटर का भी सहारा ले सकते हो, ये उनके सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ये वेबसाइट्स है, ओरिजिनल है, बंदे को पता चल ही जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी आप लोग इनको मैसेज कर सकते हो, ठीक है, ईमेल वगैरह जो भी है इनके सारा डाटा ये आ रहा है। आगे बात करते हैं कि बिज़नेस डायरेक्टरीज़ का जो तीसरा मेथड आप लोगों को बताया था कि बिज़नेस डायरेक्टरीज़ ऑफ फ्रांस, ये आप लोगों ने गूगल के ऊपर सर्च करना है तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। इन लोगों आपने इनको बारी बारी चेक कर लेना और देख लेना उनका फ़ोन नंबर और जो है ना उसे क्या कहते हैं फ़ोन नंबर, ईमेल और वेबसाइट्स वगैरह ना जो है ना वो फ्रांस में ही जो है ना वो होस्ट करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंग्लो नामी ना वेबसाइट थी उसको मैं देख रहा था, अब ये देखो ये वेबसाइट थी तो एंग्लो इन्फो डॉट कॉम पे ना,
अब ये देखो, ये एक लंबी लिस्ट है, ठीक है, ये बायर्स की, ये आप लोग देख सकते हो कि गेम्स, टॉयज, ट्रैवल, स्पोर्ट्स, शॉपिंग स्टाइल, फूड, ड्रिंक्स, बहुत सारा लंबा एक ना टॉपिक है। तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं लाइफ स्टाइल किधर गया, शॉपिंग है, लाइफ स्टाइल ये आ गया ना, क्लॉथ्स एंड शूज़ एंड एक्सेसरीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। आप ये देखो, अच्छा ये सारी कंपनीज हैं और इनके ड्रेस और फ़ोन नंबर ये देख सकते हो सारी, कितनी हज़ारों की तादाद में और हंड्रेड की तादाद में ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलो जी, फ़र्ज़ करो हम लोग पहले कोई देख लेते हैं जी, इनकी ही ये है पेरिस, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, आप लोग गूगल ट्रांसलेटर का सहारा ले सकते हो। वैसे अगर आप लोगों को टारगेट फ्रांस आपने किया हुआ है तो पाकिस्तानी भाइयों ने भी बड़ा काम किया हुआ है इसके ऊपर ना। ई बुटीक ऑफिशियल, ये फ्रेंच में है, ठीक है। अब देख सकते हो कि डॉट कॉम और फ्रांस, एफ आर मतलब फ्रांस होता है, तो उनकी डोमेन का भी आप लोगों ने ना ये इसका भी ख्याल रखना है कि ये एफ आर हो। इससे भी आप लोग देख सकते हो कि उनको ईमेल वगैरह ना आप लोग कर सकते हो। ये सारे उन लोगों के इन्होंने ड्रेस वगैरह और ये फ़ोन नंबर वगैरह दिए हैं, ठीक है। आगे जी टी शर्ट्स फैक्ट्रीज हैं, तो इनको भी आप लोगों ने देख लेना ना। आप लोग देखेगो, रिसर्च करोगे तो फिर ही मिल जाएंगे बायर, ये नहीं है कि नहीं मिलेंगे। और जो भी है ना, किसी से बात बनेगी नहीं, कोई रिप्लाई नहीं करेगा, कोई जो है वो रिप्लाई बड़ी लेट करेगा। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि ऑफिस आवर्स ही हो ना, जब दुकान खुली हो या फैक्ट्री खुली हो या जब भी वो टाइम देते हैं तुम लोगों को ना, तब उनको टेक्स्ट करना ना या ईमेल करना। के अलावा एक ना टिप देता हूँ तुम लोगों को ना, एक वर्ड की फाइल तुम लोगों ने ओपन कर लेनी है, तो उसके ऊपर ना तुम लोगों ने लिखे जाने फ़ोन नंबर, शॉप का नाम और ईमेल एड्रेस, फिर एक साथ ही उनको टेक्स्ट कर देना, फिर जब भी रिप्लाई आए बात करते रहना, ठीक है, तो बात बननी जाएगी। एक शहर में नहीं बनती, दूसरी में बनाओ, तीसरी में बनाओ, लेकिन कोशिश जारी रखो और अपनी जो ऑफर्स हैं उनका ज़रा ध्यान रखो, अपनी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कंपेरेटिव हो, कि वो ये ना हो कि प्राइस इधर ही बहुत ज़्यादा हो और उधर उसको उतने की शर्ट पड़ रही हो, या कोई भी आप चीज़ के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। तो यार अगली वीडियो में ना मैं तुम लोगों को ये भी बताता हूँ कि तुम लोगों ने ना उनको ईमेल कैसे करना है ना, उसकी टेम्पलेट भी इंशाल्लाह दूंगा, जैसे अलीबाबा की नहीं थी, इस तरह उसकी भी मैं टेम्पलेट तुम लोगों को देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और काम करो, ठीक है। मैं यही कह तुम लोगों को करूँगा, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, दिन रात एक करो। तुम लोगों को नींद नहीं आनी चाहिए, अगर तुम लोगों को पैसे नहीं ना कमा रहे, तुम लोगों को नींद नहीं आनी चाहिए। नहीं यार, सोना ही नहीं है, काम करना है बस, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह की मजीद मालूम होती वीडियोज के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।